उम्मीद करती हूँ ठीक हो, अल्लाह ताला ठीक रखे आपको। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने ये गाजरें ले रखी हैं और आपको मैंने दिखाया था लेना, इतनी सारी गाजरें मैंने मंगवाई हैं जो खाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, और ऐसे भी बच्चों को खिलाओ। तो छोड़ो, ये मैं हलवे के लिए मैंने तैयार कर रखी हूँ, छील के काट रही हूँ उसको। ऐसे काटो, ऐसे मोटी मोटी काट लो, जान छुड़ाओ कद्दूकश। ये तो है ना, बाजू थक जाते हैं, पट्टे दर्द करने लग जाते हैं। ऐसे मोटी मोटी काटो, ये देखो नज़र आ रही है, इसे काट के तो ये देखो कितनी खूबसूरत लाल सूरत सूरत गाजरें हैं। ये है मेरे अल्लाह की शान, देख लो मेरे अल्लाह ताला ने ये मूली का जायका और कलर और शलजम का जायका और कलर और गाजर का जायका और कलर और ज़मीन जो है ना, ज़मीन एक ही है जहाँ ये सारी चीज़ें उगती हैं, और उगाने वाला भी एक है, जायके डालने वाला भी एक है, हर चीज़ का मुख्तलिफ जायका। जी जनाब, गाजरे मैंने तैयार कर ली हैं, अब ये मेरी गाजर तैयार हो गई है। अब इसको इसके अंदर मैं ये डालने लगी हूँ दूध, एक लीटर मेरे पास दूध है, वो मैं डालूँगी इसके अंदर। चलो चलो और दूध आपको कम नज़र आ रहा है, ये हाफ के जी मेरे पास मलाई पड़ी है, ये खालस मलाई है, और क्योंकि मैं वो बना रही हूँ घी वाला, इसलिए ज़्यादा मैं दूध नहीं डाल रही। ये मलाई जब गाजरें खुश्क हो जाएंगी तो ये ना मक्खन और देसी घी बन जाएगा। ये देखो ये देखो, ये खालस मलाई मैंने ये डाल दी है इसके अंदर। दूध लेते हैं ना तो फिर वो मलाई ज़ाया नहीं करती, मैं जमा कर लेती हूँ, फिर उसका देसी घी बना लेती हूँ, या फिर गाजर का हलवा, और कुछ ना कुछ ना मतलब के ना बन जाता है खालस में ना। तो अब इसको पकने के लिए रख देती हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। कश करके मैंने डाली है आपके सामने, मैंने इसको ऑफ ऑफ करके तो छोटे छोटे पीस करके मैंने ये डाल दिए थे, जो मोटी गाजर थी उस पर थोड़े छोटा पीस कर दिए थे। तो ये देख लो आपके सामने है, बिल्कुल इसका दूध जो मैंने डाला था खुश्क हो गया। देखो कितनी प्यारी लुका आ गई, इसमें कोई नहीं है पानी वगैरह ना दूध, वो जो मैंने मलाई डाली थी वो घी बन गया। और आज मैंने भी ये नया चूल्हा मंगवाया है, और कल मैंने बाजी का दिखाया था, मुझे अच्छा लगा, अब मैं भी ये ले आऊँगी। को फूट रही हूँ दाल को, कश करने का मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं थक गई हूँ, हलवे ने बहुत थका दिया मुझे, गाजरों ने, और क्या बात है यार, काटने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने तैयार की है, ये एक कोली और ये टिफिन भी है, ये बहुत प्यारा छोटा सा वाइट सा बॉल है, और ये मैंने खास करके अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने ये तैयार किया है, ठीक है ना। आप देखें इसमें कोई वो नहीं रह गया, ना दूध ना पानी, और जो मैंने मलाई डाली थी वो घी बन गया है, और इतना मज़ेदार लग रहा है। ये देखो इसमें
देसी घी की खुशबू आ रही है, और ये देखो धुआं धुआं सा उड़ रहा है, और ताज़ा गरम भी खा सकते हैं, ये ठंडा भी अच्छा लगता है क्योंकि देसी घी डला हुआ है, देसी जो घी है ना वो नुकसान नहीं देता। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट्स देना मुझे कि ये कैसा लगा। यकीन मानो मैं बहुत इस पर मैंने मेहनत की है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब।